नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे एक बार फिर से श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस से जुड़ा हर एक अपडेट लगातार हम आपके बीच पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा के केस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अब श्रद्धा के लिए इंसाफ की मांग भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। अब तक सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा के पिता विकास वालकर ही आफताब के लिए सजा की मांग कर रहे थे, लेकिन अब कई बड़े सेलिब्रिटीज और साथ ही कई दिग्गज नेता भी श्रद्धा वालकर के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। साथ ही आफताब जैसे आरोपी को आखिरकार क्या सजा दी जानी चाहिए, इस पर अपनी राय भी रख रहे हैं। आपको बता दें कि श्रद्धा वालकर के केस में अब तक दिल्ली पुलिस कई सुराग अपने पास रख चुकी है, कई सुराग तलाश चुकी है, कई चश्मदीदों के बयान भी आ चुके हैं। CFSL की ओर से DNA रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है कि आखिरकार किस तरह से CFSL की ओर से जो रिपोर्ट आई है उसमें ये साफ पता चल रहा है कि श्रद्धा वालकर के ही वो टुकड़े हैं जो दिल्ली के जंगल के इलाके से, जंगली इलाके से पुलिस ने बरामद किए। ये टुकड़े आफताब अमीन पुनवाला की निशानदेही के बाद ही बरामद किए गए हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि 23 शव के टुकड़ों में से 18 टुकड़े ही श्रद्धा के पिता विकास वालकर के DNA से मैच हो पाए। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार तो फिर वो 5 शव के टुकड़े किसके हैं जो अब हड्डियों में बदल चुके हैं, क्योंकि श्रद्धा की शव के टुकड़े वो हैं या नहीं, इनका मिलान करने के लिए DNA के तौर पर श्रद्धा के पिता थे। लेकिन 5 टुकड़ों का राज आखिरकार कैसे पता चलेगा कि वो 5 टुकड़े किसके हैं, इसके लिए अब लगातार पुलिस आफताब से सवाल जवाब कर रही है। तो जहां एक ओर पुलिस इस गुत्थी को सुलझा रही है, तो वहीं आफताब अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को उस कड़ी से कड़ी सजा से बचाने के लिए लगातार प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। अपने वकील के साथ मिलकर यह पूरी कोशिश कर रहा है कि किस तरह से आफताब को इस केस से उसका वकील बचा सके। यहाँ पर अगर बताऊँ मैं, जिस तरह से आफताब के वकील MS खान का जो दावा है जिसमें वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 22 दिसंबर को जब श्रद्धा के वकील यानी कि सीमा समृद्धि कुशवाहा के साथ कोर्ट में बहस की जाएगी, तो वो ऐसे एविडेंस रखेगा सामने, ऐसी बातें सामने रखेगा कि आफताब को बेल दिलवा कर रहेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं श्रद्धा वालकर की वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। आपको बता दें कि सीमा समृद्धि कुशवाहा जो कि श्रद्धा के पिता विकास वालकर के साथ लगातार खड़ी नजर आ रही हैं। जब बीते 9 दिसंबर को विकास वालकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आफताब के साथ साथ इस साजिश में अब आफताब का परिवार भी शामिल है। जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशान कर देने वाली बात है वो ये है कि कहीं ना कहीं अब ये केस खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरकार क्यों इस केस को खींचा जा रहा है? श्रद्धा के पिता ने 9 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये मांग की कि आफताब के परिवार के खिलाफ भी जांच कमेटी बिठाई जाए और अगर परिवार भी कसूरवार निकले तो उन्हें भी वही सजा मिले जो आफताब को। 9 दिसंबर से आज 20 दिसंबर हो चुकी है, यानी कि 11 दिन का वक्त बीत चुका है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी तक भी जो परिवार है आफताब का उसे पुलिस नहीं ढूंढ पाई है। तो क्या इसे पुलिस की एक नाकामी कहा जाए? क्योंकि जहां हाई प्रोफाइल केस श्रद्धा वालकर का बनता जा रहा है, तो वहीं अब देश के अलग अलग राज्यों से कई श्रद्धा सामने आ रही हैं। कई श्रद्धा टुकड़ों में बट चुकी, तो कईयों को टुकड़ों में बांटने की लगभग तैयारी पूरी हो चुकी थी। जिस तरह से मध्य प्रदेश के इंदौर से एक और आफताब निकल करके आया जिसने अपनी असली पहचान, अपने असली धर्म की पहचान अपनी गर्लफ्रेंड से छुपा कर रखी और जब गर्लफ्रेंड को पता चल गया कि वो राहुल नहीं बल्कि आफताब है, तो यहां पर इस आफताब नाम के शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को ये धमकी दी कि अगर मेरी बात नहीं मानी, अगर रिश्ता खत्म करने की कोशिश की या किसी को उसकी हकीकत बताई, तो श्रद्धा की तरह वो उसके भी 36 टुकड़े कर देगा। बता दें कि इससे पहले कि वो अपनी इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे पाता, लड़की ने पूरा मामला इंदौर पुलिस को बताया और पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर साफ तौर पर एक ऐसी मानसिकता, आफताब जैसी मानसिकता इंदौर में भी देखने को मिली। सिर्फ इंदौर ही नहीं, आपको बता दूं कि झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ तक तो असम से लेकर बिहार तक लगातार कई और ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर इस खौफनाक और घटिया मानसिकता के चलते कई लोग टुकड़ों में बट चुके हैं।
आखिरकार क्या गलती है? क्या किसी पर अपनी राय जबरदस्ती थोपना, उसे ना मानना, क्या ये गलत है? जिस तरह से साफ तौर पर कहीं किसी की बेटी तो कहीं किसी की माँ, कहीं किसी की ताई तो कहीं किसी का पिता, जिस तरह से शव के टुकड़ों में बंटता हुआ इंसान आज नजर आ रहा है, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार क्या इस तरह के अपराधों को अंजाम देने वाले लोगों के मन से सरकार, प्रशासन या कानून का डर खत्म हो चुका है? क्योंकि एक आफ्ताब जहां आज तिहाड़ जेल में बंद है, तो वहीं इंदौर में एक दूसरा आफ्ताब फिर किसी श्रद्धा के टुकड़े करने की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आज कानून पर भी सवाल उठ रहा है। क्या आफ्ताब को सजा मिलने में हो रही लगातार देरी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि अब ऐसे अपराधों को अंजाम देने वाले लोगों के मन में ये चीज़ बैठ चुकी है, उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी है कि सिर्फ पेशी होगी, सबूत तलाशे जाएंगे, सुराग निकाले जाएंगे, चश्मदीदों को बुलाया जाएगा, लेकिन सजा नहीं मिलेगी। यही वजह है कि अब तक जहां इस केस को एक महीना भी नहीं पूरी तरह से बीत पाया है, तो वहीं अब तकरीबन 8 से 9 और ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं जिन्हें श्रद्धा का पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 का नाम दिया जा रहा है। आखिरकार इसमें गलती किसकी है, लगातार ये भी सवाल उठ रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं जिस तरह से अब आफ्ताब के परिवार को ढूंढने के लिए पुलिस जहां एक ओर छानबीन कर रही है, तो वहीं अब पोस्टमार्टम को लेकर भी सवाल उठ रहा है। CFSL की रिपोर्ट बीते 14 दिसंबर को आई थी और अब 6 दिन का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी श्रद्धा वालकर के उन शव के टुकड़ों का पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा। आखिरकार क्या वजह है? क्योंकि अब कहीं ना कहीं इस केस को लेकर पुलिस भी खामोश नजर आ रही है और कहीं ना कहीं पुलिस की ये खामोशी आफ्ताब के हौसलों को और ज़्यादा बुलंद कर रही है, जो उसने चुनौती पुलिस को दी है कि अगर दम है तो श्रद्धा का सर ढूंढ कर दिखाओ, वो आरी ढूंढ कर दिखाओ जिससे उसने श्रद्धा के टुकड़े किए। साथ ही वो जिस तरह से चुनौती दे रहा है कि कोई उसे सज़ा नहीं दिलवा सकता, तो इसके पीछे क्या लगातार हो रही देरी, लापरवाही या फिर नाकामी, आखिरकार क्या नाम दिया जाए? क्योंकि आफ्ताब का कन्फेशन पुलिस के पास है, शव के टुकड़े पुलिस के पास है, DNA रिपोर्ट पुलिस के पास है, फिर भी आखिरकार आफ्ताब को सजा क्यों नहीं मिल रही? आने वाली 22 दिसंबर को एक बार फिर से आफ्ताब की पेशी होनी है दिल्ली के साकेत कोर्ट में। पेशी से पहले ही आफ्ताब के वकील MS खान ये दावा कर चुके हैं कि वो पूरी तैयारी कर चुके हैं और वो आफ्ताब को बेल दिलवा कर रहेंगे। क्या आफ्ताब जैसे अपराधी को बेल मिलनी चाहिए, जहां एक और निर्भया केस के मुजरिमों को वो कड़ी सजा जो अब तक नहीं मिल पाई वो दिलवाने में सीमा समृद्धि कुशवाहा ने जी तोड़ मेहनत की, क्या वो श्रद्धा को वो इंसाफ दिलवा पाएंगी? उस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जहां अब तक आफ्ताब को सजा नहीं मिल पाई है, तो देश के अलग अलग राज्यों में और आफ्ताब पनप रही है और कहीं ना कहीं वो और ऐसी श्रद्धाओं को ढूंढ रहे हैं जिनके टुकड़े कर सके। तो आखिरकार क्या 22 दिसंबर को आफ्ताब को वो सजा मिलेगी या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए बने रहिए Next9 Life के साथ।